कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू सिप्पीज एकेडमी। तो अभी मैं कैट की पसंद करने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग सा करना चाहती हूँ डिस्कस आप लोगों के साथ। वो क्या है? सुडोकू। तो आपके हिंदू के न्यूज़पेपर में, हिंदुस्तान टाइम्स में बहुत सारे न्यूज़पेपर में सुडोकू आते हैं, एंड आई नो कि आप में से बहुतों को सॉल्व करना आता है। तो अगर आपको सॉल्व करना आता है तो ऑलरेडी यू आर मास्टर इन दैट, तो आप हमारी अगली वीडियो देख लीजिएगा। बट ये वीडियो देखने का फायदा ये जरूर हो सकता है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका मेथड हमारे मेथड से बहुत अच्छा है। और अच्छा है तो हमें कमेंट में लिखिए, हमें बता दीजिएगा, हम वो मेथड सीख जाएंगे, बिकॉज इट्स अ म्यूचुअल लर्निंग प्रोसेस, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। और अगर नहीं आता है तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं इजी लेवल से स्टार्ट करूंगी, ठीक है? ज्यादा वीडियोस नहीं लेकर आएंगे हम इस पे, क्योंकि अगर आपको एक बार करना आ गया है, आप न्यूज पेपर में प्रैक्टिस करते रहिए एंड देन एक दो वीडियो हम लेकर आएंगे तो आपको समझ आ जाए। पर अगर आपको प्रॉब्लम फेस होती है, आप जो कमेंट में लेके बताएंगे, तब तो मैं उस पर अपकमिंग ज्यादा वीडियो लेकर आ पाऊंगी ना, ठीक है? तो हम अभी सुडोकू में इजी एंड थोड़ा सा मीडियम लेवल के सुडोकू सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि कैसे अप्रोच करते हैं, क्या पूछा जाता है, और ऐसा क्या है जो सॉल्व नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनसे सॉल्व ना हो पाए, इट्स जस्ट दैट कि हमें उसकी सही अप्रोच पता नहीं होती है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल लेकर आऊंगी, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमसे 1-2-3 स्टार तो सॉल्व हो जाता है, 4 और 5 स्टार सॉल्व नहीं हो पाता। आई नो ऑब्वियसली बात है कि यार जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा तो डिफिकल्टी लेवल तो इंक्रीज होगा ही ना। 1 स्टार और 5 स्टार को आप कंपेयर नहीं कर सकते, बट इट्स ऑल अबाउट लर्निंग प्रोसेस, प्रैक्टिस। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि हमने एक सॉल्व कर लिया, दो सॉल्व कर लिया तो आप मास्टर हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी बुक ऐप हो गई, आपकी रीडिंग हैबिट हो गई, पजल सॉल्विंग हो गई, एनीथिंग टेक्स टाइम। अरे नॉर्मल एक अच्छी हैबिट बनाने के लिए हम कहते हैं हमें 21 दिन लगते हैं, और 4 दिन हमने वो आदत को छोड़ दिया, वो आदत सारी अच्छी आदत गायब हो जाती है। तो ऐसे ही पढ़ाई के साथ भी है। अगर हमें कोई भी चीज को बहुत मास्टर करना है तो उतनी ही बार करना पड़ेगा। याद है ना वो वाली मूवी, अक्षय कुमार की मूवी, मैंने अपनी पिछली किसी वीडियो में भी रेफरेंस दिया था उस मूवी का, जिसमें वो एक मूव को 1000 times और मोर देन दैट करता है, तब वो जाकर के मास्टर होता है उस मूव में। और वो मूव में मास्टर हो जाता है तो सबको उसके उस मूव से डर लगता है। तो हमें 1000 नहीं, उससे भी ज्यादा 10,000 बोलूंगे वो ज्यादा हो जाएगा ना, ठीक है? ज्यादा नहीं करता, 1000 कितनी बार कर लीजिए, ज्यादा नहीं है यार। 10 दिन में आपको पता चल समझ आ जाएगा, 1 month प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे आप काफी अच्छे तक मास्टर कर लेंगे, एंड धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन रिड्यूस योर टाइम स्लॉट आल्सो, ठीक है? तो आप जो 5 स्टार है उसको 5 से 6 मिनट 7 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने अपनी मास्टरी कर ली है तो, ठीक है? चलिए अभी देरी नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुडोकू सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसा क्या है इसमें हमें समझ नहीं आता है, चलिए देखते हैं। तो जो सुडोकू है वो 1783 में एक हमारे मैथमेटिशियन थे जो स्विस के थे, ठीक है? स्विस मैथमेटिशियन थे लियोनार्ड यूलर, उन्होंने इन्वेंट किया था, जिसको उन्होंने एक मैजिक स्क्वायर करके बोला था। उस टाइम पे ऑब्वियसली दिस सुडोकू वाज नॉट द सेम एज वी आर सीइंग टुडे इन द न्यूज़पेपर, बिल्कुल सेम नहीं होता था। धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्वेंट हुआ है, 1783 की बात है। फिर 1800 में उसमें कुछ चेंजेस हुआ, फिर 1900 में चेंजेस हुआ, एंड तब तक तो न्यूज़पेपर में आते भी नहीं थे, ठीक है? तो लियोनार्ड यूलर जो है, जो हमारे स्विस मैथमेटिशियन है, उन्होंने उसको इन्वेंट किया था, एंड ही गेव इट द नेम ऑफ न्यू काइंड ऑफ अ मैजिक स्क्वायर, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ मैजिक स्क्वायर है कि कैसे भी उसको फिल करो 1 to 9 तक ही नंबर आएंगे उसमें। हाँ जी, ऐसे लगते थे हमारे ये जो लियोनार्ड यूलर साहब हैं। पहले के तो सारी फोटो आपको, अगर आपने वॉइस रॉयस वगैरह देखे हैं तो आपको सबकी फोटो ऐसी सी लगेगी, ठीक है? एक बार के लिए देख लीजिए कि कैसे थे। बट इसका नाम सुडोकू नहीं था उस टाइम पे, उसको लैटिन स्क्वायर्स के नाम से उन्होंने बोला, एंड एक मैजिक स्क्वायर बोलते थे, ठीक है? उसका नाम सुडोकू पड़ा जापानीज नेम की वजह से। जापान में 1984 में इसका नाम सुडोकू पड़ा, लेकिन सुडोकू का इट्स एन एक्रोनिम काइंड ऑफ वर्ड, जिसका मतलब होता है सुजी वा दो कुशनी कगिरु। सुनने में बहुत फैसिनेटिंग सा, अजीब सा, वियर्ड सा, डरावना सा, सब एक साथ लग रहा है, जिसका मतलब होता है द डिजिट्स आर लिमिटेड टू 1 occurrence, इट मींस कि एक डिजिट एक बार आएगी। पर कैसे, कहाँ, किस स्क्वायर में आती है, उस चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि सुडोकू को फिल कैसे करते हैं, मतलब एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट। या फिर जो लोग होते हैं ना कि यार दूसरों को देख के बोलते हैं तो सुडोकू को भी सॉल्व कर लेता है या कर लेती है, इतने कोई तोड़ू चीज़ नहीं है सुडोकू को सॉल्व करना, आप भी कर सकते हो अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी और समझी तो, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे अप्रोच करते हैं। तो इट्स एन वेरी इजी वन, मैंने आपको समझाने के लिए बहुत ही ईजी वाला लिया है। देखते हैं कि इसमें शुरुआत कैसे करते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ सुडोकू में करना क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान से सुनिएगा।
जैसे ये देखिए, ये 9x9 की ग्रिड है, इतना तो आपको दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 9 कॉलम, सिमिलरली 9 रो, 9x9 की ग्रिड है। इस 9x9 की ग्रिड को हमने 3x3 की ग्रिड में उसको तोड़ा हुआ है। देखो 1, 2, 3, ये आप यहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट देख रहे हैं ना, तो ये 3x3 के जो ग्रिड बनी हुई है, हमने इसको ऐसे करते करते 9 छोटे छोटे स्क्वायर्स दे दिए, ठीक है, 9x9 की ग्रिड में से 3x3 के 9 छोटे छोटे स्क्वायर्स। अब आपको क्या करना होता है, इन छोटे छोटे जो तीन तीन के स्क्वायर्स हैं, 3x3 के जो स्क्वायर्स हैं, इनको भी सॉल्व करना होता है, प्लस हर रो और हर कॉलम में एक डिजिट एक बार आए, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। सिर्फ इतना ही और कुछ भी नहीं है। डिजिट्स कितनी, 1, 2, 9, 0 नहीं आता है इनमें से कहीं पर भी, 1, 2, 9 तक आपने फिल करना है। तो हर रो में 1, 2, 9 सिर्फ एक बार आएगा, 1, 2, 3, जैसे अगर यहाँ पे 7 आ चुका है इस रो में, तो इस रो में 7 फिर कहीं दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। सिमिलरली आपने कॉलम में 1, 2, 9 फिल करना है, जैसे अगर इस कॉलम में 4 आ चुका है, तो इस कॉलम में 4 दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। ये तो हमारा करना, हम ठीक है समझ गए कि रो और कॉलम में नहीं आना चाहिए, बट एक कैच होता है जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं, जिनको नहीं पता होता है, जो मिस कर देते हैं, कि ये जो स्क्वायर है ना 3x3 का, इनमें भी नंबर रिपीट ही होना चाहिए। देखो 3x3 का स्क्वायर है, विच मीन्स 9 छोटे छोटे स्क्वायर्स है, 9 प्लेसेस में तो 9 डिजिट्स आएंगी, हर डिजिट यूनिक है। तो अगर इस स्क्वायर में 6 आ चुका है, तो स्क्वायर में 6 और कहीं पर नहीं आ सकता, लाइक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ 6 कहीं नहीं आएगा। तो बचे हुए जो नंबर हैं, विच मीन्स 7, 6, 4, 3, इन चार नंबर को छोड़ करके जो नंबर बच गए 1, 2, 9 में, वो आएंगे इस स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, रो, कॉलम और स्क्वायर, इनमें नंबर्स रिपीट नहीं करने हैं, और आपने पूरा ग्रिड 1, 2, 9 में भर देना है। तो धीरे धीरे स्टार्ट करिए, जो बिगनर लेवल पर हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करके आपको अपने आप पकड़ बन जाएगी कि ये वाला नंबर ऐसे दिख रहा है, ये नंबर ऐसे दिख रहा है, क्रिस क्रॉस दिख रहा है, फिर स्किमिंग, स्कैनिंग, कैसे नंबर को फटाफट से गॉज करना है, वो चीज़ें फिर बाद का थोड़ा स्पीड बिल्ड करने का प्रोसेस है, अभी तो पहले सॉल्व करना सीख लेते हैं। हम उस नंबर से स्टार्ट करेंगे जो नंबर हमें बहुत ज़्यादा बार दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वो नंबर अगर बहुत ज़्यादा बार दिख रहा है मुझे ग्रिड में, तो इट मीन्स, देखो एक नंबर एक ही बार स्क्वायर में आएगा, तो इस तरीके से एक नंबर 9 बार आएगा ना, एक बार इस ग्रिड में आएगा, एक बार इस ग्रिड में, एक बार इस ग्रिड में, ए एक यहाँ 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 यहाँ, तो एक नंबर 9 बार आएगा, तो 9 बार ही एक आएंगे इस पूरे सुडोकू में, 9 बार ही दो आएंगे, 9 बार ही तीन आएंगे, 9 बार ही चार आएंगे, ऐसे, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे गिनने तो बैठूंगी नहीं कि 6 कितनी बार दे रहा है, 9 कितनी बार दे रहा है, ये आप एक ग्लैंस में देख करके शुरुआत कर सकते हैं, नहीं भी समझ आ रहा है तो आप किसी भी नंबर से शुरुआत कर लो, ठीक है। जैसे फटाफट से स्किम करने पर, और हाँ ये गलती मत कीजिएगा कि मैं पहले टॉप रो से ही चलूँ, टॉप कॉलम से ही चलूँ, बॉटम से चलूँ, मिडल से, कहीं से भी शुरुआत कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो इनिशियली जो बहुत ही बिगनर लेवल पर हैं, वो क्योंकि उनको माइंड में अभी स्टे कराने में दिक्कत होगी नंबर्स को, आप अपना साइड में रफ वर्क या पेंसिल और इरेजर लेके बैठ सकते हैं कि आप उसको इजीली इरेज कर पाओ। एक बार सॉल्व हो जाएगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तब आप पेन से स्टार्ट कर सकते हो। और जिन लोगों को लगता है कि वो 1, 2, 3 star, 4 star अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, 5 star में दिक्कत आती है, तो भाई आप लोग ऑलरेडी उस पर हो। बट अगर वो लोग अभी भी पेंसिल एंड इरेजर यूज़ करते हैं, तो लेट मी टेल यू कि आप पेन से कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट इन जस्ट वन गो। इट मीन्स कम से कम रफ वर्क हो, जैसे जो लोग अगर कंफर्टेबल भी हैं सुडोकू सॉल्व करने में, अगर वो भी साइड में कहीं पे ऐसे 5 या 4 लिख रहे हैं ना, वो लिखना बंद कीजिए, तभी तो आप अपने आप को एस कर पाएंगे। अगर आप अभी भी वही चीज़ कर रहे हो जब आपने सुडोकू स्टार्ट किया था 1-1.5-2 महीने पहले, आज भी वही चीज़ कर रहे हो, तो तब से अब में तो कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुआ ना। थोड़ा सा टाइम अपना कम करने के लिए या अपने माइंड की मेमोरी बार बनाने के लिए नंबर्स को माइंड में स्टे कराने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो जैसे अगर मैं फटाफट से देखूँ स्किम करने पे, ये 5 और ये 5 इस वाली रो में और इस वाली रो में आ चुका है, तो हमें इस वाली रो में 5 चाहिए होगा, मतलब 5 हमें सारी रो में चाहिए, बट फिलहाल मैंने नीचे से स्टार्ट कर दिया। तो अगर मुझे इस वाली रो में 5 चाहिए होगा, तो पक्का से वो इस ग्रिड में तो आ नहीं सकता, क्योंकि इस ग्रिड में 5 यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। सिमिलरली इस वाली ग्रिड में भी 5 नहीं आ सकता, इस वाली ग्रिड में आ चुका है।
तो जो बचा हुआ 5 है इस रो का, वो पक्का से इस ग्रिड में आएगा। और इस ग्रिड में इन दो जगह पे क्यों बोल लिखा है मैंने, क्योंकि अगर यहाँ पर कहीं 5 लिखूंगी तो वो इस 5 के साथ क्लैश कर जाएगा। समझ आया? अब इन दो जगह में से भी 5 यहाँ अगर लिखूंगी तो वो इस 5 के साथ क्लैश कर जाएगा। तो विच मीन्स बची हुई 5 जगह में से मेरे पास अब एक ही जगह बची है, मतलब एलिमिनेट कर दी मैंने 4 प्लेसेस, तो 5 मेरा इस वाले ग्रिड में यहाँ आ गया। ठीक है, अब अगर जैसे मैंने 5 इसको यहाँ फिल किया, तो मैंने फटाफट स्किम किया कॉलम वाइज। कोई रूल नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने रो जा करके कॉलम ही जाना है, आप कैसे भी कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट कि आपको ग्रिड भी भरनी है, रो भी भरनी है, कॉलम भी भरना है। आपको बस ये 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, उसके हिसाब से जैसे नंबर आपको जहाँ मिल रहा है देखने पे स्ट्राइक कर रहा है वैसे भर दीजिए। ठीक है, तो इस कॉलम में 5 मुझे मिल गया यहाँ पर, इस कॉलम में 5 मुझे मिल गया इधर। अब इस वाले कॉलम में देखते हैं, मैं कॉलम की नंबरिंग कर देती हूँ सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू, इस कॉलम उस कॉलम बोलने के बजाय एल से विद नंबर, सिमिलरली रो वाइज भी कर देती हूँ। ठीक है, तो मुझे कॉलम 2 और कॉलम 3 में 5 5 मिल चुका है, अब मुझे कॉलम 1 में 5 मैप करना है। ठीक है, अब कॉलम 1 का 5 इस ग्रिड में तो आ नहीं सकता R7 to R9 में, राइट। सिमिलरली R4 to R6 में भी नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ ऑलरेडी 5 आ रहा है। तो बेसिकली जो बचा हुआ 5 है इस कॉलम 1 का, वो इस वाली ग्रिड में आएगा, इस ग्रिड नंबर 1 में, जो रो 1 से लेके 3 तक जा रही है। ठीक है, अब इस वाली ग्रिड में अगर 5 आना है, बट वो मेरा किसी भी रो के साथ क्लैश नहीं होना चाहिए। क्या मैं 5 को यहाँ, मुझे 5 रखना है, तो अगर इस कॉलम में 5 रखना है तो ऑब्वियसली मेरे पास 2 ही प्लेसेस खाली हैं। पर इस 2 प्लेसेस में से अगर मैं इस प्लेस पे भरती हूँ, यहाँ देखो ये 5 मेरा इस रो में इस 5 के साथ क्लैश कर जाएगा, जो रो 3 कॉलम 9 में आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इस कॉलम का जो 5 है वो R3 में नहीं जा सकता, तो R2 में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 5 फिल कर दिया। तो जैसे मैंने यहाँ 5 फिल किया, मुझे दिख गया कि रो 2 और रो 3 में 5 आ चुका है, रो 1 का 5 बचा है। रो 1 का 5 अब कौन सी ग्रिड में जाएगा, ग्रिड 1 हट गया, ग्रिड 3 हट गया, तो बचा ग्रिड 2। ग्रिड 2 में एक ही जगह है, रो 1 में खाली, तो 5 यहाँ आ जाएगा। बिल्कुल हाँ जी, आपने सही समझा है, ग्रिड 2 में रो 1 का 5 इधर आ जाएगा। धीरे धीरे समझ आ रहा है ना 5 अब कहाँ कहाँ आ रहा है। अब मुझे जल्दी से बताइए, कॉलम 4 में 5 है, कॉलम 5 में 5 है, कॉलम 6 में मुझे 5 फिल करना है, तो मुझे कौन सी ग्रिड में जाना पड़ेगा। यहाँ 5 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 5 भरना है, तो इस वाले कॉलम में 5 यहाँ आ सकता है, नहीं, या तो ऑलरेडी इस ग्रिड में आ रखा है यहाँ आएगा, नहीं, या तो इस ग्रिड में आ रखा है, तो बचा हुआ 5 इस वाले ग्रिड में आ जाएगा। तो अगर आपको ये 3x3 के ग्रिड क्लियर हो रहे हैं ना, न्यूज़पेपर में भी अगर आप देखोगे तो ये वाले ग्रिड हाइलाइटेड होते हैं, साफ दिखते हैं 3x3 के, जैसे अगर आपको यहाँ पे हाइलाइटेड दिख रहा है तो वहां पे भी बहुत ईजी होता है डिस्टिंग्विश करना। ठीक है, तो भी 5 मैंने यहाँ पर भी मैप कर दिया। अब अगर मैं ये वाला 5 देखूँ, रो 4 में भी आ गया, रो 5 में भी आ गया, अब सॉरी रो 4 में आ गया, रो 6 में आ गया, रो 5 में बचता है, तो रो 5 का 5 इस ग्रिड में नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ पे 5 ऑलरेडी है, यहाँ नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ 5 ऑलरेडी है, तो बच्चा यहाँ आएगा, इन दो जगह पर आएगा रो 5 का 5। ठीक है, अब इसमें अगर मैं 5 यहाँ रख दूँ तो इसके साथ क्लैश कर जाएगा, तो बच्चा इसके साथ क्लैश ना करे इसीलिए मुझे रो 5 के 5 को इधर रखना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने सारे ग्रिड में मतलब 5 9 बार आ चुका है, सारे ग्रेड में हम 5 फिल कर चुके हैं। ठीक है, तो 5 अब और कहीं बचा ही नहीं है, तो मुझे किसी और नंबर को पकड़ना पड़ेगा। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैंने अगर 5 पकड़ा है तो पहले मुझे सारे 5 फिल करने पड़ेंगे, मैंने 8 लिया तो पहले मुझे सारे 8 फिल करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। वो तो मुझे लकीली 5 बनता चला गया तो मैंने 5 से शुरुआत कर ली, या 5 बन दिखता चला गया एक फिल करते तो मैं सारा उसी लूप में चला गया। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अभी देखो फटाफट से मैंने देखा यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है रो 1 2 में, तो रो 3 में 8 चाहिए मुझे। अब रो 3 में 8 इस ग्रिड में नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ ऑलरेडी है, इस ग्रिड में नहीं आ सकता बिकॉज इस ग्रिड में ऑलरेडी है, और इस ग्रिड में रो 3 में सिर्फ एक ही जगह खाली है, तो 8 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने 8 इस कॉलम 1 में फिल किया, मैंने देखा कि कॉलम 1 में 8 आ गया, कॉलम 2 में 8 आ गया, बट कॉलम 3 में 8 नहीं है।
कॉलम थ्री का आठ कौन सी ग्रिड में जाना चाहिए? ग्रिड जाएगा इस वाली में, लाइक इफ आई से दिस इज ग्रिड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ग्रिड 7 में जाएगा, राइट? अब ग्रिड 7 में दो जगह खाली है कॉलम 3 में, अब उस दो जगह में से अगर मैं इसको अपर साइड पे कर दूं तो इस 8 के साथ क्लैश कर जाएगा, विच मीन्स ग्रिड 7 में 8 इधर आएगा। समझ आई वाली चीज? तो आई होप आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि फिल कैसे करना है। आई एम रिपीटिंग अगेन, रो वाइज देखना है, कॉलम वाइज देखना है एंड ग्रिड वाइज देखना है, ठीक है? आपको इसे नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है न्यूज़पेपर में, आप नॉर्मल ही कर सकते हैं इसको, ठीक है? कलर कोडिंग से आप समझ जाइएगा, वहाँ पे हाईलाइटेड रहता है तो इतना डिस्टिंग्विश करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो धीरे धीरे पेंसिल इरेजर लेके बैठ सकते हैं आप, जहाँ गलत लगे उस पार्ट को इरेज कर दीजिएगा आप, ठीक है? तो हमने 8 यहाँ पर फिल कर दिया है, और कहीं पर हम 8 वाला देख लेते हैं, हम भर रहे हैं तो भर ही लेते हैं, ठीक है? ओके, लिखनी सी, चलिए मैं वहाँ पे केसेस कहाँ कहाँ पे बन सकते हैं और कहाँ पर आप पेंसिल इरेजर से लिख सकते हैं वो भी एक बार दिखा देती हूँ मैं। जैसे अगर हम 8 की ही बात कर रहे हैं और आपको लग रहा है, तो एक बार देखिए, इस कॉलम 9 में 8 है, कॉलम 8 में 8 है, बट कॉलम 7 में 8 नहीं है। तो कॉलम 7 में 8 क्या ग्रिड 3 में आ सकता है? नो, ग्रिड 3 में 8 ऑलरेडी है। क्या ग्रिड 9 में आ सकता है? नो, यहाँ पर भी ऑलरेडी है। तो बचा हुआ ग्रिड 6 में आएगा। अब ग्रिड 6 में दो रो में जगह खाली है, एंड अगर मैं ध्यान से देखूं तो रो 5 में कहीं पर भी 8 मेंशन नहीं है, रो 6 में भी 8 मेंशन नहीं है। इट मींस कि ग्रिड 6 में 8 इन दो जगह में से किसी एक जगह पर आएगा, ठीक है? अब क्योंकि मुझे फिक्स नहीं पता है कि कहां पर आएगा, इसीलिए मैं इसको अभी आपको समझाने के लिए थोड़ा उसको अलग कलर से साइड में लिख देती हूँ। जब ये फाइनलाइज हो जाएगा तब मैं एक जगह पे इसको फाइनल लिख देंगे कि कहाँ पर आएगा। तो इन दो जगह पे मेरा 8 आएगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा फटाफट से स्पीड से फिल करें तो एक बार देखते हैं कि क्या क्या नंबर्स भरे जाएंगे। देखिए, हमारा थोड़ा सा सुडोकू ऑलरेडी फिल हो चुका है, और अगर हमने सुडोकू देखा तो इसमें ये वाली जो हमारी ग्रिड 7 थी, ग्रिड 7 में सारे 1 to 9 तक नंबर एक एक बार आ चुके हैं, और एक बार ही आएंगे, इससे ज़्यादा तो हमारे पास स्पेस ही नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। फिर हम इसके बाद यहाँ से एक हिंट भी ले सकते हैं, जैसे कि मेरे रो 9 में 3 नंबर्स बचे हुए हैं, तो मैं रो 9 के नंबर्स को एक बार देख सकती हूँ। 1 to 9 नंबर आएंगे, तो 1 आ चुका, 2 बचता है, तो 2 कहाँ कहाँ आ सकता है? यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। 3 आ गया, 4 बचा है, तो 4 यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। 5, 6 हो गया, 7, 8 हो गया, 9 बचा है, ठीक है? तो 9 अगेन यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता 9, बिकॉज 9 इस वाले कॉलम के साथ क्लैश कर जाएगा, ठीक है? तो हम ऐसे कुछ नंबर्स जैसे ही रो या कॉलम में थोड़े ज़्यादा होने लग जाएं, तो आप उस रो या कॉलम को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। तो मुझे ग्रेड रो कॉलम पे साइमल्टेनियसली ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? सिमिलरली मैं देखूँ तो कॉलम 3 भी मेरा ऑलमोस्ट फिल हो गया, सिर्फ 2 प्लेसेस बचे हैं इसमें। तो 1, एक तो यहाँ पर 1 आएगा और एक 9 आएगा, तो 1 एंड 9 की जगह बची है, बाकी के सारे नंबर्स आ चुके। देखो, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 मैंने भर दिया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है? तो 1 एंड 9 बचा है अभी, बट क्या 1 यहाँ आ सकता है? 2 नंबर 2 प्लेसेस, 1 यहाँ नहीं आ सकता बिकॉज 1 इसके साथ क्लैश कर जाएगा, ठीक है? तो यहाँ बची जगह पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ऐसे भी हमारे रो कॉलम फटाफट फिल हो जाते हैं। अब जैसे मैंने 1 यहाँ फिल किया, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, तो रो 6 में 1 आना है, बट वो कॉलम 1 के साथ क्लैश कर जाएगा, तो इस वाले ग्रिड में, ग्रिड 4 में 1 इधर आ जाएगा। समझ आया? तो इस हिसाब से देखो तो आपके कॉलम 1 का 1 हो गया, कॉलम 2 का 1 हो गया, कॉलम 3 का 1 हो गया, ठीक है? अब आप ये जो ग्रिड 1 और ग्रिड 4 है इनको मैप कर सकते हो, बिकॉज इसमें सिर्फ 2 ही नंबर वेकेंट है। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो मेरे ये 2 ग्रिड्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो जैसे ये वाली ग्रिड 1 लूँ, इस ग्रिड में अब कौन से नंबर आने बाकी है? 9 and 2, सिर्फ ये 2 ही नंबर बाकी है। एक बार 9 आएगा, एक बार 2 आएगा, पर क्या 9 आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ 9 लूँगी तो इस 9 के साथ क्लैश कर जाएगा, तो 9 हम इसमें यहाँ भर देंगे, 2 हम इसमें यहाँ भर देंगे, तो मेरा कॉलम 2 भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब कॉलम 1 में ये 2 जगह खाली है, या तो आप कॉलम 1 के नंबर से मैप कर लीजिए कि कॉलम 1 में कौन सा नंबर बच गया है,
या आप इस ग्रिड के नंबर से भी मैप कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर मैं ग्रिड में देखूं, इस ग्रिड में मेरे कौन कौन से नंबर बच गए हैं, एक तो 2 बच गया, एक 3 बच गया, 2 और 3 आना बाकी है। सिमिलरली कॉलम 1 में 2 और 3 आना बाकी है। एंड सिंस मुझे यहाँ से कोई हिंट नहीं मिल रही है, तो साइड में आप इनिशियली 2 3 3 2 ऐसे करके लिख सकते हैं, जो जैसे नंबर होगा मिलेगा मुझे, या सर्कल कर लीजिए सो दैट मुझे पता चल जाए इट्स अ केस, ठीक है। क्योंकि पेंसिल में तो आप कलर चेंज नहीं कर सकते, तो सर्कल कर लीजिए, ठीक है। तो 2 3 3 2 कुछ ऐसा आएगा। अब अगर हम देखें तो रो 1 में 3 जगह खाली है, तो रो 1 में 3 जगह खाली है और रो 2 में सिर्फ 2 जगह खाली है। तो पहले रो 2 देख लेते हैं। रो 2 में क्या क्या नंबर्स आने बाकी हैं, एक तो 1 आएगा एंड एक 3 आएगा, बिकॉज बाकी सारे नंबर्स ऑलरेडी दिख रहे हैं मुझे, 1 and 3। एंड सिंस मुझे अगेन कोई हिंट नहीं मिल रहा है, तो आई विल राइट इट 1 and 3, 3 and 1 ऐसे। बट इससे एक ये चीज़ क्लियर ज़रूर हो जाती है कि इस ग्रिड का 1 and 3 सिर्फ यहाँ आ सकता है और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि अगर 1 इस वाले ग्रिड में यहाँ आए, इस वाले ग्रिड में पक्का से इधर ही आएगा, तो इस वाले ग्रिड में 1 इधर आएगा, और इस वाले में जगह सिर्फ यहीं खाली है तो 1 इधर फिल हो जाएगा। तो ऐसे भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने ये फिल किया, अगेन मुझे कनेक्टिंग थ्रेड मिल गया, C7 का 1 हो गया यहाँ पर, C8 का 1 हो गया यहाँ पर, तो C9 का 1 होगा इस वाले ग्रिड में, तो मैंने 1 यहाँ मैप कर दिया, ठीक है। अब देखो, रो 7 का 1 मैप हुआ, रो 9 का 1 मैप हुआ, अब रो 8 का 1 बचा है, वो ऑब्वियसली इस वाली ग्रिड में आएगा, बिकॉज ग्रिड 7 और ग्रिड 9 ऑलरेडी 1 ऑक्यूपाई करके बैठी है, तो ग्रिड 8 में आएगा। अब ग्रिड 8 में 2 जगह खाली है, तो बट ये इस जगह, तो C6 में 1 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ग्रेड 8 का 1 इधर आ जाए। अब जैसे मैंने 1 यहाँ रखा, तो मुझे समझ आ गया ना, यहाँ पर 1 नहीं आ सकता, अदरवाइज ये क्लैश कर जाएगा। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि ग्रेड 2 का 1 किधर जाएगा, इधर, एंड इधर 3 आ जाएगा। तो ऐसे होता है, जहाँ जहाँ पर हमारे क्लैशेस बनने लग जाते हैं, वहाँ पर हम समझ जाते हैं कि इस जगह पर ये नहीं आएगा, बच्चा नंबर आएगा। तो अगर हम देखें रो एट में ये 2 जगह खाली हैं, तो इस 2 जगह पे हमारा क्या आना चाहिए, एक जगह आएगा आपका 7 एंड दूसरी जगह आपका क्या आएगा, चलो ठीक है 7 भर लेते पहले। 7 देखो, रो 7 और रो 9 में ऑलरेडी आ रहा है, तो रो 8 में 7 इधर आ जाएगा, ठीक है। ग्रिड 8 ही बचा है हमारा, ग्रिड 7 एंड 9 ऑलरेडी ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, एंड बचा हुआ नंबर क्या है हमारे पास, 1 2 3 4। तो 4 मेरा रो 8 में अभी आना बाकी है, तो 4 मेरा इधर आ जाएगा। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर, समझ आ रहा होगा आपको धीरे धीरे। रो, कॉलम, ग्रिड, इन तीनों में 1 to 9 भरते जाना है हमें, ठीक है। मैं तीनों की हेल्प ले रही हूँ साइमल्टेनियसली, एक चीज को पकड़ के नहीं चल सकते हैं, वरना उससे तो सॉल्व कब होगा पता नहीं, इसलिए हमें सबकी हेल्प साथ लेनी पड़ेगी। कभी मुझे ग्रिड भरना है, कभी मुझे रो भरनी है, कभी मुझे कॉलम भरना है, ठीक है। तो सबको साइमल्टेनियसली देखते हुए चलना पड़ेगा। अब ग्रिड 9 में कौन कौन से नंबर्स बच गए हमारे, 2 and कौन सा बच गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 and 9 बच गए हमारे ग्रिड 9 में, ठीक है। बट 9 ऑलरेडी कॉलम 7 में आ रहा है, तो यहाँ पर आ नहीं सकता, तो 9 इधर आ जाएगा एंड 2 इधर आ जाएगा। अब जैसे मैंने 2 वैल्यू यहाँ भर दी है ऑलरेडी, तो रो 9 में हमारा कौन सा बच गया था, 4, तो 4 इस वाले में यहाँ आ जाएगा। अब देखिए रो 5 में हमारे पास 2 जगह बची हैं, एक तो ये प्लेस, एक ये प्लेस। इस प्लेस पे भी 8 है नहीं, या तो 8 हमारा केस बना था ना स्टार्टिंग में, तो अभी इस वाली रो में 2 नंबर बचे हैं, 3 and 8। बट अगर मैं 3 को यहाँ रख दूंगी, तो ये तो मेरा इस 3 के साथ क्लैश कर जाएगा, तो इट मीन्स कि यहाँ पर 3 नहीं आ सकता, यहाँ 8 आएगा। और अगर यहाँ 8 आ गया रो 5 में, तो यहाँ 3 आएगा ना कि 8, और अगर यहाँ 3 आ गया तो 8 पक्का से इधर ही आएगा ना, और तो जगह बची ही नहीं, ठीक है। तो मैं हम इसको रब कर देते हैं, और आप अपनी इरेजर लेके बैठे ही होंगे साथ में, ठीक है। अब आप इस ग्रिड को मैप करना चाहें, इस ग्रिड को मैप करना चाहें, देखिए वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड, हमने ऑलमोस्ट सारी ग्रिड भर ली है, कुछ कुछ ही नंबर्स रह गए हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी ग्रिड 5 में 2 नंबर्स बचे हैं, वो 2 नंबर्स कौन कौन से हैं, एक आता है मेरा 3 एंड एक आएगा मेरा 7। तो क्या मेरा 3 इधर आ सकता है कॉलम 5 में, ग्रिड 5 में कॉलम 5 में 3 इधर आ जाएगा, नहीं, 3 मेरा इसके साथ क्लैश कर जाएगा, तो 3 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा। अब जैसे ही मैंने 7 इस कॉलम 5 में अभी फिल करा, कॉलम 6 में ऑलरेडी था, 5 में फिल कर दिया, तो कॉलम 4 का जो 7 है वो ग्रिड 2 में चला जाएगा, राइट।
अब ग्रेड टू में मेरे दो नंबर्स बचे हैं, वो दो नंबर्स कौन से हैं मेरे, एक तो मेरा 2 आना बाकी है और एक मेरा 9 आना बाकी है। बट सिंस मेरा 9 ऑलरेडी इधर दिया हुआ है कॉलम 6 में, तो 9 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कॉलम 5 और कॉलम 6 का 9 हो गया, तो कॉलम 4 का 9 यहाँ आ जाएगा। एंड आप इस कॉलम 5 एंड कॉलम 6 को पूरा पूरा भी 1 to 9 काउंट करके फिल कर सकते हैं। जैसे कॉलम 5 को अगर मैं 1 to 9 जाऊँ तो मेरा अभी इसमें 2 आना बचता है, तो मैंने 1 to 9 के लिए कंप्लीट करने के लिए 2 कर दिया। एंड कॉलम 6 में अभी मेरा 3 आना बचता है, ठीक है, तो मैंने 3 कर दिया। तो मेरा देखो ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया। अब हमारी सिर्फ 5 वैल्यूज भरनी रह गई है, एंड आई थिंक अब आप कर लोगे फटाफट से। रो 6 की वैल्यू भर देते हैं पहले। रो 6 में सिर्फ एक ही जगह खाली बची है, तो ओके फाइन। रो 6 में हमने यहाँ पे 3 डाल दिया था, अब यहाँ 3 2 2 3 हमने किया था ना कि यहाँ केस बनेगा, बट आई थिंक अब ये केस क्लियर है हमें, राइट। तो क्या आएगा मेरा रो 6 में इस जगह पर 2 के 3 2, गुड, 3 तो क्लैश कर देगा और 3 इधर आ जाएगा। तो रो 6 में इस जगह पर मेरा अभी 1 to 9, रो 6 को कंप्लीट करने के लिए कौन सा नंबर बचता है मेरा, 4, तो इधर 4 आ जाएगा, ठीक है। और अभी रो 4 में मेरा कौन से नंबर्स बचते हैं, एक तो मेरा 2 बचता है एंड मेरा 9 बचता है, ठीक है। तो क्या मेरा 9 इधर आ सकता है? नो, 9 यहाँ ऑलरेडी यहाँ रखा है कॉलम 8 में, तो 9 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। अब जैसे ही मैंने ये फिल किया, देखो रो से इस कॉलम 7, कॉलम 8, कॉलम 9, इन तीनों के सिर्फ एक एक नंबर बचता है। तो कॉलम 7 में 1 to 9 कंप्लीट करने के लिए अपने को चाहिए 4, कॉलम 8 में 1 to 9 कंप्लीट करने के लिए अपने को चाहिए 3, राइट, 3, एंड कॉलम 9 में अपने को कंप्लीट करने के लिए चाहिए 2। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ग्रिड 3 में आपका कौन सा नंबर बचा है, ठीक है, तो 2 नंबर बचा था। इस तरीके से अगर हम ध्यान से सॉल्व करेंगे रो वाइज, कॉलम वाइज, ग्रिड वाइज, एक एक नंबर को अब थोड़ा रब कर सकते हैं स्टार्टिंग में, तो आपका पूरा सुडोकू फिल हो जाएगा। एंड विद प्रैक्टिस यू विल मास्टर इट फॉर श्योर। ऐसा मत समझे कि कोई बहुत ही हार्ड एंड फास्ट चीज़ है, बाकी लोग सॉल्व कर पाते हैं, आपसे नहीं आता है। इट्स जस्ट दैट यू डिड नॉट इवन स्टार्ट इट। तो अगर आप स्टार्ट करेंगे तो लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी, है ना, अमिताभ बच्चन की लाइन, जाम खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आप सुडोकू सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, एंड आज अपने आप को कॉन्फिडेंस दीजिए। कोई भी बहुत इजी लेवल का 1 स्टार सुडोकू उठाइएगा, उससे स्टार्ट कीजिएगा अगर आप बिगनर लेवल पर है, और जो मास्टर है वो तो भाई हो ही मास्टर है आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस वाले सुडोकू के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। तो पहले आप ये वाला सुडोकू दोबारा से सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को पीछे लेके जाइएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। आप ऑब्वियसली अब आपका स्क्रीनशॉट है, अब आप बोलोगे सुडोकू सॉल्व कैसे करें, थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको सेम ही सुडोकू सॉल्व करना है, नहीं तो न्यूज़पेपर में आते हैं यार, आप उसमें से भी कोई भी 1 स्टार ईजी उठा करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप सेम सुडोकू सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा पेन पेपर, थोड़ा कलर्स वगैरह लेके बैठ जाइए, सो दैट आप अपनी नोटबुक में 9x9 की ग्रिड बनाइए एंड 3x3 की ग्रिड में कलर कोडिंग कर लीजिए, सेम नंबर नोट डाउन करके अपना सॉल्व कर सकते हैं, सो दैट क्योंकि आप उस सोल्यूशन को मैच कर पाएंगे, नहीं तो न्यूज़पेपर में अगले दिन उसका सोल्यूशन आ जाता है। तो किसी ऐसे दिन का उठाइएगा जिसका सोल्यूशन आपके पास अगले दिन का पड़ा हो न्यूज़पेपर में, सो दैट आप यू कैन मैच द सोल्यूशन एंड गेन योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। नेक्स्ट में हम ये वाले से का सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, एंड थोड़ा सा ये पिछले वाले से थोड़ा मीडियम लेवल का है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम टफ लेवल का भी सॉल्व करके देखेंगे कि वहाँ हम कहाँ कैसे स्टक हो सकते हैं, कैसे अप्रोच करना चाहिए, और टफ लेवल भी अगर हमने सॉल्व कर लिया तो इट मीन्स कि हाँ हम सुडोकू सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आज इसी के साथ, उसके साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप पेसिंग योरसेल्फ।